देश में इन दिनों भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। हालात ये है कि कई राज्यों में दिन में तापमान 45 के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 से 3 दिन तापमान और बढ़ेगा और इसीलिए कई राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। देश इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। क्या मैदानी क्या पहाड़ी इलाके, सबका हाल बेहाल है। देश के कई राज्यों में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा शहरों में लगातार 8वें दिन 43 डिग्री से ज्यादा तापमान रहा। कई इलाकों में हीटवेव हावी रही। राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 48 डिग्री दर्ज हुआ। ये इस मौसम का देश का सबसे अधिक तापमान है। वहीं कश्मीर में सीजन की पहली हीटवेव चली। वहां 29 मई तक तापमान अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की आशंका है। अगले कुछ दिन 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए रेड अलर्ट। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रात में तापमान अधिक होने से शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता, जिससे गर्मी संबंधी तनाव बढ़ सकता है। इसका कारण एयर कंडीशनर और निजी वाहनों का बढ़ता इस्तेमाल है। इनके उत्सर्जन से गर्मी बनी रहती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार गर्मी में हीटवेव बिना ब्रेक के चल रही है। दिन का तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। रात का तापमान भी 4 से 5 डिग्री तक अधिक हो गया है। आमतौर पर मई में 3 से 8 दिन हीटवेव चलती है। 1-2 दिन हीटवेव के बाद बारिश से 3 से 4 दिन राहत रहती थी। इस बार राहत नहीं मिल रही। इसके लिए शहरीकरण से लेकर हरियाली कम होना अहम कारण है। अप्रैल में एसी की बिक्री पिछले अप्रैल के मुकाबले 40% बढ़ी है। सीजन में 1.25 करोड़ एसी बिकने की संभावना है। हरियाली, पेड़ लगातार कम हो रहे हैं। 5 वर्षों में 50 लाख से ज्यादा छायादार पेड़ गायब हो गए। पानी, बेंगलुरु पानी के लिए तरस रहा है। जयपुर में 0 डे जैसी स्थिति बनने की आशंका है। कंक्रीट, इसरो के अनुसार देश में 17 साल में शहरीकरण बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन एरिया में 25 लाख हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। पर बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो बीमार होने से बच जाएंगे। जितना तरल पदार्थ का सेवन हो सके, साथ ही कम से कम धूप में निकले। इसके साथ ही खाने में सीजनल फल को शामिल करें, इससे आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।